मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली को नमस्कार। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अगले दिन अगले ब्लॉग की शुरुआत कर दी मैंने मॉर्निंग में। अभी 8:10 बजे, 8:10 हुई है। कैसे हो? अभी शॉवर लिया मैंने, आज मेहंदी लगाऊंगी। कल बताई थी मैंने मेहंदी घोलने की विधि, आज लगाऊंगी। आज देखो मैं मौसम के हाल चाल बताती हूँ आपको। अभी कम से कम 8:10 सुबह हुई है और ऐसा हो रहा मौसम, बिल्कुल ऐसे अंधेरा। ऐसा लग रहा मौसम, पानी की छींटे भी आ रही। अब पानी की छींटे आने लगी और अच्छी झमझमाझम बारिश हो रही। अभी नहीं आ रहा था, आ रहा है। यहाँ से बाहर का भी ऐसा लगता है, नीम का पेड़। अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है। आ जाना चाहिए, बहुत उमस हो रही है। जुलाई की 11 तारीख हो गई है, नहीं तो जून में ही बारिश होने लग जाती है। अच्छा लग रहा मौसम, आज थोड़ा ठंडा है। मेहंदी तो गोली पर पानी आ गया, आने तो लगा लूँगी मैं मेहंदी। गर्मी तो हो रही है। आज संडे, मम्मी की याद आ गई। मम्मी जब मेरी शादी हुई थी ना, मम्मी बिल्कुल संडे के दिन अच्छा तेल लगाती थी, सिर धोती थी और उसके बाद में सिका कहीं आंवले का पानी डाल के बॉले से थे लंबे। बताऊँगी आगे मैं फ़ोटो कि मेरे बाल कैसे थे, लंबे लंबे बाल थे, बहुत अच्छे बाल थे। अब तो बहुत खिल गए, फिर भी मैं केयर करती हूँ बालों की। दिखाऊंगी मैं मेहंदी कैसे लगाती हूँ। ब्लैक कलर का हो गया, ऐसे लगाते हैं धीरे धीरे ब्रश की सहायता से। मेहंदी बालों में अच्छी लग जाती है। बादल गरज रहे, बादल जैसे गरज रहे, आवाज आ रही। बादल गरजने की मेरी आवाज़ नहीं आएगी। इसी प्रकार पूरे बालों में लगा लेती हूँ, ऐसे थोड़ी थोड़ी लेके पूरे बालों में लगाती हूँ। ऐसे इसको ऐसा लेके ऐसा करके इसी प्रकार से लगाती हूँ मेहंदी में। ऐसा पूरे बालों में लग जाती है। अच्छी ठंडी भी रहती है। अभी तो ऐसे उमस भी बहुत हो रही है। करके पूरे बालों में लगा लूँगी। आप लोग कैसे लगाते कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं सही लगा रही हूँ कि नहीं लगा रही हूँ। अब सिर धोया मैंने, 3-4 घंटे रखी। देखो बालों सिल्की सिल्की बिल्कुल हो गए, कितने सुंदर। बहुत सुंदर हो गई।
अच्छे ब्लैक भी हो और अच्छे नरम भी हो सिल्की से। आप लोग क्या डालते हैं? और मेहंदी में मैंने तो सीखा कल डाली थी, आंवले चाय की पत्ती नहीं है। आप लोग क्या क्या डालते हो बताना मुझे। पानी बंद हो गया था तो फिर कपड़े डाले सूखने के लिए, सूख थोड़े हो रहे सूख जाएंगे, धूप भी निकल रही ज़्यादा से ज़्यादा दाल देखी मेरी। मैं रोज़ भी रोज़ बोलती हूँ आप लोगों को, शेयर करिए, देखोगे तो अच्छा लगेगा। काटा सब जाता है तो गोभी जाती लगती है, पेड़ पौधे बेचारे पीले पीले पड़ गए। इनको देखते तो बुरा लगता, बारिश आई है ना तो बहुत अच्छे हो जाए। अभी मैंने सोचा 5 बज रही है, वो आती ना सीहोर वाले पंडित जी की कथा शिव पुराण वो सुन रहे थे, इनके चलो यूट्यूब फैमिली से बातें कर लेते हैं और वीडियो की एंडिंग भी करते हैं। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे से सेफ्टी से रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग देखिए, अच्छे लगेंगे आप लोगों को। शेयर करिए, लाइक करिए, घूम रही हूँ थोड़ी हवा भी लग रही है अच्छी। तो बाय बाय, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, आगे बढ़ाइए। ये ब्लॉग आपको अगले दिन मिलेगा, ठीक है।